नमस्ते, मैं हूँ आपकी जानवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक ना मैंने फेस्टिवल के लिए साड़ी हॉल पार्ट वन और पार्ट टू कर लिया है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्ट थ्री। मेरे पास है खूबसूरत से ये तीन साड़ियाँ, तो मैं उसी को स्टाइल करने वाली हूँ, किस ब्लाउज के साथ पेयर अप करने वाली हूँ सब कुछ बताऊंगी। और जो ब्लाउज है वो भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया है। तो इस हॉल को आप साड़ी और ब्लाउज का हॉल भी बोल सकते हो। तो चलिए बिना देर करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो कौन सी साड़ी पहले स्टाइल करें? तो सबसे नीचे वाली पहले पहन के देखते हैं। सबसे पहले स्टाइल करेंगे ये वाली साड़ी। तो ये है बानी प्रिंट की साड़ी। तो बानी प्रिंट वाले साड़ी मैंने इस सीरीज में काफी सारे कर लिए। आई थिंक अभी तक मैंने दो कर लिए हैं। पार्ट वन में भी एक था, पार्ट टू में भी एक किया, अभी पार्ट थ्री में भी है। ये वाली जो साड़ी है बानी प्रिंट में है, बट आपको दो कलर में मिलेगा, क्योंकि आप जब फेस्टिवल के बारे में बोलोगे ना तो दिमाग में ग्रीन और रेड ही कलर आता है। तो इस वाले साड़ी में आपको ऐसे कंट्रास्ट में मिलेगा, इसमें ग्रीन और रेड कलर मिलेगा। ये पूरी साड़ी बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और ना इसमें आपको बॉर्डर मिलेंगे, बट इसका बॉर्डर बहुत ही छोटा वाला बॉर्डर है, इतना ब्रॉड नहीं है और बहुत ही बड़ा वाला नहीं है। बॉर्डर काफी सुंदर से बनाया है, बहुत रिच लग रहा है। और ये पूरी साड़ी आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन में मिलेगी, ऊपर ग्रीन, बीच में रेड और नीचे में फिर आपको ग्रीन मिल जाएगा। और अगर मैं इसके फैब्रिक के बारे में बताऊं ना, तो ये पॉली जॉर्जेट फैब्रिक में मिलेगा। ब्लाउज का कपड़ा आपको ऐसे मिलेगा, मतलब कि अगर ये रेड कलर के ब्लाउज के साथ मैं स्टाइल करूंगी तो ये अच्छे से आ जाएगा, बट आई थिंक ये यही वाला ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ अच्छे से जाएगा। मैं अभी सोच रही हूँ कि मैंने जिस ब्लाउज अभी वेयर किया है उसी ब्लाउज के साथ इसे स्टाइल करूँ। तो बॉर्डर के बारे में मैं बोल रही थी ना, ऊपर में आपको जो बॉर्डर है ऊपर की ओर आपको ऐसा छोटा बॉर्डर मिलेगा, बट अब जब ये नीचे की ओर देखोगे ना तो ये बॉर्डर थोड़ा सा लंबा मिलेगा आपको, ठीक है। और इसमें जियोमेट्रिक पैटर्न में आपको ऐसे बॉक्स मिल जाएंगे, ये आपको गोल्डन कलर का मिलेगा। तो चलो हम फटाफट से अभी इसको स्टाइल करते हैं। सो साड़ी को मैंने इस तरह से स्टाइल किया है। इस साड़ी को भी मैंने सिंपल वे में स्टाइल किया है, क्योंकि ये साड़ी ही कंप्लीट भरा भरा सा था और ये कंट्रास्ट में ऑलरेडी दो कलर में था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं सटल सा लुक रखती हूँ। गोल्डन और पर्ल का जो कॉम्बिनेशन वाला ज्वेलरी था मेरे पास, मैंने उसको वेयर किया है। देन झुमके पहन लिए गोल्डन कलर के, छोटे से झुमके पहन लिए। देन ग्रीन कलर की चूड़ी और उसमें ये गोल्डन कलर्स का कड़ा बीच में डाला है। ये ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना है। ये ब्लाउज को मैं प्रीवियस वीडियो में भी पहन चुकी हूँ, तो आपने वहां पे भी देख लिया होगा। फिर भी मैं यहाँ पे भी इसका लिंक डाल दूंगी, आप इस वीडियो में भी चेक कर सकते हो। ये ब्लाउज बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा लुक देता है, बहुत रिच लुक देता है। आप किसी भी साड़ी के साथ पेयर अप करते हो ना, आई डोंट नो व्हाई इतना अच्छे से उभर के आता है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और बालों में मैंने ओपन हेयर रखा है। कंप्लीट लुक आपको दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कैसा लग रहा है। यही साड़ी दिखाई दे रहा था मुझे, तो जो लोग इसे पहन रहे थे ना उनका लुक बहुत सुंदर से निकल के आया था। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको एक बार खरीद के ट्राई करती हूँ कि ये कैसा लगेगा। तो ये जो साड़ी है ना, इसमें भी आपको बानी प्रिंट मिलेगा। तो अभी तक मैंने बानी प्रिंट वाले बहुत सारे साड़ी ट्राई कर लिए है। अगर मैं इसके फैब्रिक के बारे में बताऊ ना, तो ये प्योर सिफोन फैब्रिक में आपको मिलेगा। और इसके जो बॉर्डर में है ना, एम्बेलिस और इसमें सीक्वेंस का वर्क मिलेगा। और इसका जो पल्लू है ना, ये साड़ी की तरह ही प्लेन है। तो साड़ी, इसका पल्लू, एवरीथिंग इज सेम, मतलब इसी तरह का बानी प्रिंट आपको पूरी साड़ी में मिलेगा। साड़ी में जो ब्लाउज का कपड़ा आया है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, सो पहले इसको रिमूव करते हैं, मुझे ये कपड़ा नहीं चाहिए। मैं दूसरी ब्लाउज के साथ इसे स्टाइल करूंगी। तो साड़ी कुछ इस तरह की है, और इस साड़ी को मैं, जो ब्लाउज मैंने पहना है
इसके साथ भी अगर स्टाइल करूँ तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा, बट इस साड़ी को मैं रेड कलर के ब्लाउज के साथ ही पेयर अप करना चाहती हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टाइल करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये साड़ी कैसी लग रही है। और मैंने इस साड़ी को इस तरह से स्टाइल कर लिया है, रेड कलर की ब्लाउज, रेड कलर की चूड़िया और थोड़ा सा रेड लिपस्टिक, और बहुत ही सिंपल सा रखा है। मैंने अपने बालों को भी दो साइड में ऐसे ट्विस्ट करके पिनअप कर लिया है। आप चाहो तो इसको ग्रीन, गोल्डन, पर्पल, बहुत सारे कलर के साथ मिक्स एंड मैच करके इस साड़ी को पहन सकते हो, बट आई थिंक रेड के साथ जितना अच्छा लगेगा ना, ये किसी के साथ भी उतना ज्यादा उभर के नहीं आएगा। सो हाँ, ये था मेरा फाइनल लुक। और जो गले में मैंने डाला है ना, मुझे मेरी मम्मी जी ने, मदर इन लॉ ने गिफ्ट किया है, और ये हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी बोल सकते हो इसे। बहुत ही सिंपल सोबर सा मैंने रखा है। इतना ही करके मेरा लुक हो गया है कंप्लीट। तो चलिए आपको फुल लुक दिखाती हूँ। वर्क मिलेगा और ये पूरी साड़ी में ना वही प्रिंट बना हुआ है। मैं अगर इसके पल्लू के बारे में बात करूं तो ये पल्लू है, पल्लू के नीचे भी आपको सेम बॉर्डर मिलेगा। देन यही कंटिन्यू किया है पैटर्न, आपको पूरी साड़ी ऑलिव कलर की ही मिलेगी। और मैं अगर इसके ब्लाउज के बारे में बात करूं तो इसका ब्लाउज आपको सेम यही कलर मिलेगा, बट इसमें कोई पैटर्न नहीं है और थोड़ा सा आपको वही बॉर्डर इसमें भी मिलेगा। और जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर में इसे इस तरह का आपको थोड़ा सा स्टोन वर्क मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ही स्टोन वर्क मिलेगा, इस तरह का ट्रायंगल शेप में स्टोन का वर्क किया गया है। और ये जो साड़ी है, आई थिंक ये साड़ी सबको बहुत अच्छे से जाएगी, जो फेयर है, जो डार्क स्किन टोन वाले हैं, सबको ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि ये साड़ी को ना, इसके अंदर जो पैटर्न बना हुआ है, ये थोड़ा सा जो येल्लो स्टोन है ना, उस तरह का पैटर्न है, उस तरह का कलर यूज़ किया गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं अगर इसी तरह की येलो टोन वाले ब्लाउज के साथ स्टाइल करूँ तो ये बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। सो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये जो साड़ी है, इसको मैं इस ब्लाउज के साथ स्टाइल करूँ। तो ये वाली ब्लाउज मैंने अपने वेडिंग के टाइम में खरीदा था। तो ये ससफराज ब्रांड से है, इसको आप टॉप भी बोल सकते हो, ब्लाउज भी बोल सकते हो। पीछे में आपको ऐसा जिप मिलेगा और इसका जो नेक है, ये नेक इस तरह का आएगा। आई थिंक इसे स्वीट हार्ट नेक कहते हैं, या तो वी नेक तो नहीं कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे होके फिर ऐसे आया है, तो आई थिंक ये स्वीट हार्ट नेक है। और इसका स्लीव नहीं मिलेगा तो इसी के साथ, और ये जो ब्लाउज है ना, ये पैडेड नहीं है। तो मैं सोची हूँ इस साड़ी को इसी के साथ स्टाइल करूँ। तो जल्दी से स्टाइल करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। और इतना ही करके मेरा लुक हो गया है कंप्लीट। बहुत ही सिंपल सा लुक रखा है इसमें मैंने, अपने हेयर स्टाइल को भी इस तरह से लूज, बालों को भी मैंने इस तरह का लूज हेयर स्टाइल बनाया है, और वही सिंपल सा मेकअप को मैंने कैरी किया है। अपने गले में कुछ भी नहीं डाला है, मेरा जो मंगलसूत्र था उसी को ही पहना है। देन अपने कानों में जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो इयररिंग्स, देन हाथों में ये गोल्ड के ब्रेसलेट, और इतना ही करके मेरा लुक हो गया है कंप्लीट। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है ये लुक, क्योंकि कभी कभार ना सिंपल लुक बहुत ज्यादा उभर के आता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इतना ही करके मेरा लुक हो गया है कंप्लीट। अब आपको फुल लेंथ वाला लुक दिखाती हूँ, तब आपको पता चलेगा। कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, नमस्ते, बाय बाय।